कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डीटीएच टच पर। आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ किड्स चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमें कमेंट आ रहे थे। एक भाई है मेरा, यानी कि जो मेरे यूट्यूब पर है, वो बहुत सारा कमेंट कर रहा था कि किड्स चैनल बारे में, कार्टून चैनल के बारे में आप एक वीडियो उसके ऊपर बनाएं, जिसमें आप बताएं कि कौन से नए चैनल कार्टून के डीडी फ्री रिच पर आ सकते हैं। उसकी बात मानते हुए मैं अपने भाई की और नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जहां पे आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैनल आ सकते हैं और कौन की खबर सच है और कौन से चैनल इस बार ई ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कोई किड्स चैनल आएगा या नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी खबरें घूम रही हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि सोनी जा रहा है, जी किड्स आ रहा है, पोगो आ रहा है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर खबरें घूम रही हैं। इसकी वजह से वो मेरा भाई पूछ रहा था कि कोई चैनल डीडी फ्री डिश पर किड्स का बच्चों के लिए आएगा या नहीं। इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि कोई भी फेक न्यूज हमारे चैनल पर नहीं होती। पहले हम उस बात की पुष्टि करते हैं, उसके बाद ही वीडियो अपलोड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई भी होते हैं, कहीं के बात का मैं गुस्सा नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई भी होते हैं जो मेरे इस पर वीडियो पर भी आके कमेंट करेंगे कि आपने फेक न्यूज बनाई है, फेक वीडियो डालते हैं, फेक न्यूज होती है आपकी। आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब पर आपको खबरें देते हैं डीडी फ्री डिश की। और वीडियो अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आप साथ ही साथ ऑन कर लेना, आगे से जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन आए। चलो करते हैं वीडियो का टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले खबरें घूम रही थी कि पोगो चैनल ने इस बार ये ऑप्शन पर पार्टिसिपेट किया है और ये भी चैनल आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो आपको बता दूं कि 80-80 इसको टीआरपी मिल रही है पेड चैनलों पे, और ये चैनल आपको कभी भी डीडी फ्री डिश पर देखने के लिए नहीं मिल सकता, और ना ही ये चैनल ने पार्टिसिपेट किया था और ना ही ये चैनल ने स्लो डाउन किया है। जो तो एप्लीकेशन सबमिट करता तो आपको एक दो दिन में उसकी जानकारी आ जानी थी कि इस चैनल ने पार्टिसिपेट किया है, ऐसी कोई खबर नहीं है, ये भी फेक न्यूज ही घूम रही है। अगले चैनल की बात करें तो बहुत सारी खबरें उड़ रही थी गुब्बारे टीवी की, कि गुब्बारा टीवी भी एक बार फिर से डीडी फ्री डिश पर आ सकता है, इसके चांस है, हो सकते थे आने के, लेकिन इन्होंने अपने जो पहले चैनल थे नज़ारा टीवी और इशारा टीवी, उसको स्लोड ऑन करा दिया है। वो चैनल ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, गुब्बारा टीवी आपको पेड ही देखने के लिए मिलेगा। ये चैनल डीडी फ्री डिश पर ना तो इसने पार्टिसिपेट किया था और ना चैनल ने स्लोड ऑन किया है, ये भी चैनल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगले चैनल की बात करें रहेगा डीटी किड्स। आपको मैं बता दूं कि दूरदर्शन नेटवर्क की ओर से चैनल टेस्टिंग पर बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, इसका ट्रेंडमार्क जारी हो चुका है और टेस्टिंग इसकी 93.3 सी बैंड के सैटेलाइट पे की जाएगी। उसके बाद ये चैनल कभी भी डीडी फ्री डिश पर बिना ये ऑप्शन के ऐड हो सकता है, इसके चांस है कि आने वाले समय में चैनल लॉन्च हो सकता है। अगले चैनल की बात करें रहेगा डिस्कवरी किड्स, इसकी बहुत सारी खबरें घूम रही थी कि इस चैनल ने पार्टिसिपेट किया है, ये चैनल आपको 100% देखने के लिए मिलेगा, ऐसी कोई खबर नहीं आई। ना तो आप देख सकते बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बोल रहे हैं ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना तो इस चैनल ने पार्टिसिपेट किया था, ना चैनल ने स्लो ऑन किया है, ये भी चैनल आपको कभी भी डीडी फ्री डिश पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगले चैनल की बात करें रहेगा जी किड्स, ये आपको पहले बता देते हैं इसका ट्रेंडमार्क जारी हो चुका है, लेकिन ये चैनल अभी तक यूट्यूब पर आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जी नेटवर्क की ओर से चैनल अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, इसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बारे चैनल कहीं ना कहीं हो सकता है आपको आने वाले समय में डीडी फ्री डिश पर देखने के लिए मिल सकता है। अगले चैनल की बात करें रहेगा सोनीजा, इस चैनल ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि ये पेड चैनल है, ज़्यादातर पेड ही रहेंगे, क्योंकि इसको टीआरपी मिलती जा रही है, इसकी वजह से ये चैनल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना तो इस चैनल ने पार्टिसिपेट ही किया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और नया चैनल, कोई जी नेटवर्क, कोई सोनी नेटवर्क अलग से लॉन्च करे, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीडी फ्री डिश पर आए, वो आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन इस बीच में कोई भी ऐसी खबर नहीं आई कि ये चैनल आने वाले समय में आपको डीडी फ्री डिश पर देखने के लिए मिले। क्योंकि जो हमें जानकारी मिली थी आपके साथ वीडियो बना के शेयर की है, जो मेरे भाई ने क्वेश्चन किया था उसका मैंने आंसर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को वास्तव शेयर कर देना। मिलते नई वीडियो के साथ आप।